हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर का बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मेगा मैडम। पिछले क्लास में मैंने किया था कि वास प्रताप के अपेक्षित ऑर्नमेंट से राउल्ट के वास प्रताप के अपेक्षित ऑर्नमेंट से विलय का अनुभार कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वथनांक के उन्नयन और क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित आपको नियम। तो पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं कि वास प्रताप के अपेक्षित ऑर्नमेंट से क्या किसका विलय का अनुभार कैसे निकाले, तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर दे सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्वथनांक का उन्नयन इलिवेशन और बॉलिंग पॉइंट। तो चैनल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि इसी तरह का क्लास लेक्चर केमिस्ट्री का आपको हमेशा मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कि क्वथनांक क्या है। क्वथनांक क्या है, तो किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप पर है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या है बराबर होता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए बराबर हो जाए। यानी कि किसी भी द्रव का क्वथनांक एक ऐसा ताप है जिस पर ठीक है किसी दिए गए द्रव के लिए उसका वाष्प दाब क्या हो जाए वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। चलिए हम लिख देते हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का ताप ठीक है किसके बराबर है ताप नहीं वाष्प उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए बराबर हो जाए ठीक है। यानी कि क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए इक्वल हो जाए। किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर के क्या हो जाए वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाए बराबर हो जाए। यह आपका डिफिनेशन है। पहले जो डिफिनेशन था क्वथनांक का वो आपका लो लेवल का है, लेकिन ये डिफिनेशन जो है आपका हाई लेवल का है। तो चूंकि किसी भी द्रव का क्वथनांक जो है निश्चित ताप पर एक क्या होता है निश्चित होता है लेकिन जब किसी विलायक में हम अघुलनशील विलेय का करते हैं डालते हैं उस तो ठीक है तो क्या होता है उस विलयन का क्वथनांक क्या होता है बढ़ जाता है। यानी कि कोई लिक्विड है किसी लिक्विड में हम कोई नॉन वेपराइज क्या करते हैं विलेय जब डाल देते हैं सॉलिड डाल देते हैं तो उस समय क्या होता है विलेय का क्वथनांक क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होता है बढ़ जाता है। यानी कि पहले जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे अब उसमें कोई पदार्थ यानी कि जो अस्पेशल विलेय है कोई अस्पेशल पदार्थ डाल देते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है बढ़ जाता है। यानी इसे कह सकते हैं कि विलेय का जो क्वथनांक है यानी कि शुद्ध विलाय का जो क्वथनांक है वो विलयन के क्वथनांक से क्या होता है कम हो जाता है ठीक है। यानी कि विलयन का क्वथनांक क्या होता है ज्यादा होता है और शुद्ध विलाय का क्वथनांक जो पहले था विलाय का वह क्या होता है कम होता है। तथा हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे क्योंकि हम चलिए लिखते हैं प्रत्येक द्रव का क्वथनांक क्या होता है दिए गए ताप पर निश्चित होता है। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घुलाया जाता है तो क्या होता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है
यह क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक द्रव का क्वथनांक दिए ताप पर क्या होता है, निश्चित होता है। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय क्या करते हैं घुलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक, यानी कि कोई सॉल्वेंट है कोई विलायक है उसमें हम कोई अलग से पदार्थ डाल देते हैं तो उसमें जिसका क्वथनांक था अब क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो यही कहता है कि क्या होता है विलयन का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विलयन और विलायक के क्वथनांक अंतर विलयन विलयन और विलायक के विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्या कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, इसे डेल्टा टीवी से सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब किसी क्या कहते हैं कि विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक क्या कहता है उन्नयन कहलाता है, इसे डेल्टा टीवी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग टेम्परेचर से क्या कहते हैं सूचित किया जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होगा उसको हम राइट करते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा कॉपी कर ले, अगर चाहें कॉपी करना है याद रहेगा तो ठीक ही है, लेकिन आपको याद कहीं भूल सकता है बीच में, इसलिए आप वीडियो को पॉज क्या करें कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी आप जल्दी से क्या करें कॉपी कर लें। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर जो दिया है कि विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। जैसे हम मानते हैं यदि हम मानते हैं कि यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है टी है टी नॉट है तथा विलयन का क्वथनांक की है तो क्वथनांक का उन्नयन बराबर क्या हो जाएगा। यदि शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है टी नॉट है तथा विलयन का क्वथनांक टी है तो विलयन तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा, यहां बोला है विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक क्या कहता है उन्नयन कहलाता है। किसका अंतर विलयन और विलायक, तो पहले क्या रहेगा विलयन, तो विलयन क्या है विलयन का क्वथनांक क्या मानेगा टी और माइनस और विलायक क्वथनांक क्या मानेगा टी नॉट टी माइनस टी नॉट क्या हो जाएगा टी माइनस टी नॉट होगा। और चूंकि क्वथनांक के उनियन जो है क्वथनांक के उनियन किस चीज को कहते हैं डेल्टा टीवी, इसलिए कह सकते हैं कि डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा टी माइनस टी नॉट। ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला कि क्वथनांक में उन्नयन बराबर टी माइनस क्या है टी माइनस टी नॉट, यानी कि यही फॉर्मूला है क्वथनांक में उन्नयन कि विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर वो क्या कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट elevation of boiling point, the difference between boiling point of solution and solvent is called elevation of boiling point, यानी कि विलयन और विलायक को जो क्वथनांकों का अंतर क्या कहलाता है क्वथनांक के उन्नयन कहलाता है। ठीक है, यानी कि डेल्टा टी भी बराबर होगा टी माइनस टी नॉट। अब हम देखते हैं क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट के नियम, क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, कि क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट के नियम क्या है। ठीक है, यानी कि राउल्ट जो क्या है एक आपको रसायनज्ञ है, उन्होंने क्या किया
कि राउल्ट ने 1871 ईस्वी में कोथलांग के उन्नयन संबंधित सन 1871 ईस्वी में किसने राउल्ट ने सन 1871 ईस्वी में कोथलांग के उन्नयन से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। यानी कि राउल्ट ने सन 1871 ईस्वी में कोथलांग के उन्नयन से संबंधित नियम का क्या किया पालन किया नियम का एक क्या किया अनुपालन किया एक नियम दिया जिसका नाम क्या है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट ने कोथलांग के उन्नयन के लिए दो नियम दिए जिसमें पहला नियम क्या कहता है कि पहला नियम जो कहता है प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी तनु बिलियन के कोथलांग का उन्नयन किसी तनु बिलियन के लिए कोथलांग का उन्नयन किसी तनु बिलियन के लिए कोथलांग का उन्नयन क्या किया विलेय की मोलल सांद्रता के क्या होता है समानुपाती होता है। ठीक है अब यहां पर देखेंगे कि दिखा है कि सन 1871 इसमें राउल्ट ने क्या किया कोथलांग के उन्नयन से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे राउल्ट का नियम कहता है। कोथलांग के उन्नयन के लिए राउल्ट ने दो नियम दिए जिसमें पहला नियम कहता है फर्स्ट नियम क्या कहता है कि किसी तनु बिलियन के लिए कोथलांग का उन्नयन किसी तनु बिलियन के लिए कोथलांग का उन्नयन विलेय की मूल संता के क्या होता है सीधे संपाती होता है। यानी कि बिलियन तनु हो तनु मतलब पतला ठीक है यानी विलेय की मात्रा उसमें क्या हो कम हो विलेय की मात्रा क्या हो उसमें कम हो विलेय की मात्रा क्या हो ज्यादा तो उस तरह के विलेय के लिए उसका जो कोथलांग का उन्नयन होगा उसकी विलेय की मोलर संता के क्या होता है सीधा संपाति होता है। इसलिए कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी समानुपाति एम ठीक है यानी कि कोथलांग का उन्नयन विलेय की मोलर संता क्या होता है समानुपाति होता है। अगर इसको कॉन्स्टेंट को हटाते हैं तो डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है केवी इंटू एम डेल्टा टी बी बराबर केवी इंटू एम और जहां डेल्टा टी बी क्या है क्वथनांक में उन्नयन है ठीक है एम क्या है विलेय का मोलर सांद्रण है मोलर सांद्रण कहें चाहे सांद्रता कहें ठीक है और केवी क्या है यहां पर जो केवी दिया है कॉन्स्टेंट केवी यह केवी क्या है आपका मोलर स्थिरांक है मोलर क्वथनांक स्थिरांक और चूंकि याद कर रहे हैं कि केवी की जो इकाई होती है वो होते केल्विन केजी प्रति मोल केल्विन हिंदी में लेते हैं केल्विन केजी प्रति मोल ठीक है इसका इकाई जो है केल्विन केजी प्रति मोल होता है इसका केवल मान जो है विलेय की प्रकृति पर क्या कहता है निर्भर करता है। यानी कि पहला नियम यही था कि विलेय की तनु विलेय के लिए कोथलांग का उन्नयन विलेय की मोलर संख्या क्या तो समानुपाती होता है डेल्टा टी का समानुपाती हो गया एम समानुपाती हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट लगा यहाँ पर कॉन्स्टेंट भी क्या लगा आपका के भी लगा के भी क्या है मोलर स्थिरांक कोथलांग है टी भी क्या है कोथलांग का उन्नयन है और एम क्या है विलेय की मोलर सांद्रता है ठीक है ये रहा आपका प्रथम नियम। द्वितीय नियम में देखते हैं क्या कहता है द्वितीय नियम
द्वितीय नियम कहता है कि विभिन्न विलेय के सम्मूलन, विभिन्न विलेय के सम्मूलन, विभिन्न विलेय मतलब कि अगर अनेक प्रकार के विलेय को समान मात्रा में अगर हम क्या करते हैं समान किसमें समान गुण को विलायक के समान आयतन में अगर घुलाते हैं, विलायक के समान आयतन क्या करते हैं घुलाते हैं, तो उसका क्वथनांक भी क्या होता है समान होता है, क्वथनांक में भी क्या होता है समान होता है। यानी इसका कहना है कि विभिन्न विभिन्न विलेय का सममूलन भार, विभिन्न विलेय का सममूलन भार किसी विलायक के सममूलन आयतन में क्या करते हैं घुलाते हैं, तो क्वथनांक का जो उन्नयन होगा वह भी क्या होता है समान होता है, क्वथनांक का उन्नयन होगा भी क्या होता है समान होता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि विभिन्न विभिन्न विलेय के सममूलन, विभिन्न विलेय के सममूलन द्रव्यमान को, सममूलन द्रव्यमान को विलायक के, विलायक के समान आयतन में, विलायक के समान आयतन में क्या करते हैं घुलाते हैं, क्या करते हैं घुलाते हैं, घुलाने पर क्वथनांक का उन्नयन भी, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है समान होता है। ठीक है, यानी कि विभिन्न विलेय के सम्मूलन द्रव्यमान को अगर विलायक की समान आयतन क्या करते हैं घुलाते हैं, तो विलयन जो क्वथनांक का उन्नयन होगा वो भी क्या होता है समान होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक मोल अगर ग्लूकोज विलयन का क्वथनांक उन्नयन, एक मोल विलयन का क्वथनांक उन्नयन क्या होता है समान होता है। जैसे उदाहरण में हम कह सकते हैं कि एक मोल ग्लूकोज विलयन का क्वथनांक, एक मोल ग्लूकोज विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक उन्नयन, विलयन का क्वथनांक उन्नयन एक मोल यूरिया, यूरिया विलयन का क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन क्या होता है समान होता है। ठीक है, यानी कि एक मोल ग्लूकोज, एक मोल अगर हम क्या करते हैं ग्लूकोज लेते हैं तो उसका क्वथनांक का जो उन्नयन होगा एक मोल यूरिया विलयन क्वथनांक उन्नयन क्या होगा समान है, क्योंकि दोनों का मात्रा क्या है सेम है, दोनों का क्या मात्रा क्या है सेम है। तो इस तरह की कंडीशन में यहाँ पर कहता है कि यह इसके आयतन में घुलाने पर क्वथनांक का उन्नयन भी क्या होता है समान होता है, क्वथनांक का उन्नयन भी क्या होता है समान होता है। अतः इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन विलयन की, विलयन की मोलालता के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि इस तरह हम कह सकते हैं कि क्वथनांक में जो उन्नयन होगा विलयन की मोलालता के क्या होता है समानुपाती होता है। ठीक वही काम डेल्टा टीबी समानुपाती एम और डेल्टा टीबी बराबर केबी, केबी इंटू एम, सेम फार्मूला वही है आपका, यानी कि दोनों फार्मूला सेम जैसा है लेकिन थोड़ा सा नियम क्या थोड़ा सा बस चेंज नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका क्वथनांक के उन्नयन राउल्ट के नियम के लिए। राउल्ट के दो नियम है, प्रथम नियम सेकंड नियम। प्रथम नियम क्या था विलेय की मोलर समानता और सेकंड में विलयन की मोलालता के समानुपाती, इसमें था विलेय की मोलर समानता के समानुपाती। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें बताएं और कमेंट्स में जरूर करें। अगर चैनल नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह का आपको बेस्ट लेक्चर क्लास का डेली मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।